हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द रेडियस चैनल। सो गाइस, फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद एक और वीडियो। एंड गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। डेफिनेटली आप जरूर से मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये वीडियो। तो जल्दी से लाइक कर दिए वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एमुलेटर के बारे में जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। मतलब डेफिनेटली मेरे तो ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड एमुलेटर मुझे लगता है, क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड पीरियड टाइम प्रोवाइड करता है एंड जिसमें आपको वन क्लिक पर गेम स्टार्ट होते हैं। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कमी थी वो बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ गेम बॉक्स अल्टरनेटिव एमुलेटर के बारे में। आपको ही पता होगा इसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है। वो थी गेम लिमिटेड की प्रॉब्लम। जी हाँ गाइज, बाय द वे जो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने लिए दिख रहा है, मतलब ये क्या नाम है इसका, बीम इंजन ड्राइव कार क्रशिंग सिमुलेटर, में उसी एमुलेटर में खेल रहा हूँ। जी हाँ गाइज, आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ एंड कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं इसमें ये गेम प्ले कर पा रहा हूँ। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट गेम, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्ले करे जाने वाला गेम है, ये आपको भी पता होगा एंड मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसमें ओपन वर्ल्ड भी खेल सकते हैं एंड जैसे मैं ये खेल रहा हूँ स्टंट मोड लगा कैसे भी खेल सकते हैं। इसमें थोड़े से कुछ टास्क वगैरह भी होते हैं, मिशन वगैरह भी होते हैं, उनको भी आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। एंड इस तरीके से मैं जैसे ये कार्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ सभी कुछ, मतलब इसमें आप अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड टाइम तो मिलता ही मिलता है, साथ ही में आपको इसमें ऑनलाइन का भी मिल जाता है ऑप्शन। मतलब आप इसमें बिना स्टीम अकाउंट डाले ऑनलाइन ये भी खेल सकते हैं आप अपना बीम एनजी ड्राइव। जी हाँ गाइस, सिमुलेटर में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फंक्शन मुझे लगा इसमें। एंड गाइस, सिर्फ यही नहीं, 1 2 3 और 4 5 बहुत ही सारे गेम लॉन्च हो गए गाइस जिसमें आपको नहीं पता। आपने अभी तक इसमें अगर जाकर नहीं देखा, मतलब चेकआउट नहीं किया सिमुलेटर को, तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। वैसे तो मैं इसी वीडियो में आपको पूरी लाइब्रेरी दिखा दूंगा। सबसे पहले जो मुझे सबसे बेस्ट गेम्स जो लगे वो तो है कि यही, एंड दूसरा जो है हमारा गोस्ट रनर 2 जो मेरा फेवरेट है। जी अगर इन दोनों के मैं आपको इसमें गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में एंड वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लाया हूँ, तो जल्दी से लाइक तो बहुत सारी होनी चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाऊँ। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं इस बार मेरे पास, बाकी का वीडियो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है 2-3 दिनों से, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बन पानी, बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप जल्दी जल्दी वीडियो लाओ। सो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ऐसी वीडियोस चाहिए डेली डेली एंड आपको पसंद है क्लाउड गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को नहीं पता तो मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर एंड वहाँ पर मैं गिव अवे कर रहा हूँ स्टीम के अकाउंट्स वो भी लाइफ टाइम के लिए, जैसे कि हो गया हमारा GTA 5 का स्टीम अकाउंट, फोर्ज़ा होराइज़न 5, RDR2, FIFA, इस टाइप के गेम्स के मैं अकाउंट फ्री, बिल्कुल फ्री मैं गिव अवे कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। आप अगर अपने ज्वाइन नहीं कर रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप बिल्कुल ही गोल्डन चांस को गंवा रहे हैं। जी गाइस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर आपके पास अभी PC नहीं है तो फ्यूचर में ज़रूर आएगा एंड उसके बाद जो आपको गेम डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है गेम्स को परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे गेम्स होते हैं वो क्रैक होने के बाद में मज़े नहीं आते उनको प्ले करने में। एंड एक चीज़ और, अगर आपके में आपने वाली वीडियो देखी होगी मेरी NVIDIA GeForce Now एमुलेटर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एमुलेटर है। बस उसमें एक ही ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें हमें जो है अकाउंट चाहिए होते हैं उस, मतलब जो सभी हमें गेम खेलना है तो उसको हम गेम को परचेस करना पड़ता है, चाहे वो स्टीम में परचेस करें, चाहे हमें एपिक गेम में परचेस करना हो, चाहे हमें Ubisoft में परचेस करना हो। तो इस चीज़ से ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। आप मेरे अकाउंट वहाँ से उठाइए डायरेक्टली जो मैंने वहाँ पर गिव अवे कर रखे हैं एंड उन अकाउंट को डालिए एंड जो सभी गेम आपको प्ले करना है NVIDIA GeForce Now में अनलिमिटेड पीरियड टाइम के लिए वो गेम प्ले कीजिए। सो गाइस, इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा खतरनाक मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपका। जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को भी, तो आपको इस तरह की जो है गिव अवे डेली डेली देखने के लिए मिलते रहेंगे। सो गाइस, अब बात आती है हमारे एमुलेटर की, तो आपको मैं यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह सभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है थोड़ी सी, तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको इस एमुलेटर में बीम एंजन ड्राइव खेलने के लिए थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। अब आपको यहाँ से आपको जब आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको फोर्थ नंबर, मतलब फोर्थ ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ सब आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो फोर्थ ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज का आइकन बना है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बस वहाँ से आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो करना है वो आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए जैसे यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, बस यहाँ से आपको कोई भी अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना आप यहाँ से। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर आना है,
यहाँ से थोड़े से ग्राफिक्स को आपको इंक्रीज़ कर देना है, बिकॉज़ ये ग्राफिक्स आपको बिल्कुल लोवेस्ट में देते हैं, जिसमें बिल्कुल भी गेम को प्ले करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं आपको आपको रिमाइंड करूँगा कि इसको हाई पर कर लें, बाकी अल्ट्रा भी कर सकते हैं, बस अल्ट्रा में जो है थोड़ा सा आपका गेम लैग वगैरह कर सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता, वो शायद मेरी MS की प्रॉब्लम हो रही होगी जिस वजह से मेरा गेम लैग हो रहा था। एंड फिर उसके बाद जैसे भी आपको गेम को प्ले करना है, प्ले कीजिए एंड मज़े कीजिए। एंड चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ गोस्ट रनर 2 का गेम प्ले। जी हाँ गाइस, मेरा फेवरेट गेम है, तो इसको देखिए आप। ये गाइस कितने ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है एंड कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आ रही है, कंट्रोलर वगैरह की ज़रा से भी दिक्कत नहीं है एंड बिल्कुल ही अनलिमिटेड प्ले टाइम है। इन गेम्स में जो लिमिटेड टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब लिमिटेड टाइम देते हैं तो मज़ा नहीं आता है। आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा इसमें हाथ सेट करने में लग जाता है, क्योंकि ऐसे गेम्स पे मतलब हाथ जल्दी सेट नहीं होता, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है अपना कंट्रोलर पर हाथ भी सेट करना। तो उसकी वजह से हमें एक ऐसा इमुलेटर चाहिए होता है इनके लिए, जिसमें अनलिमिटेड प्ले टाइम हम प्ले कर सकें। तो ये इमुलेटर बेस्ट है मेरे हिसाब से अभी तक का, वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड इमुलेटर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड प्ले टाइम एंड क्योंकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलती है। बाकी का जितने भी सारे इमुलेटर उनमें क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट वो भी इमुलेटर जो है मेरा NVIDIA GeForce Now वो वैसे तो बेस्ट है, बट उसमें जो है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लगती है मुझे, ज़्यादातर मेरे में वैसे जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बट बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सबकी कमेंट आती रहती है कि उसमें मतलब कि सॉल्व करें कैसे करेंगे ऐसे। तो चलिए गाइस मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतने इसमें इन्जॉय कीजिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है, मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा एंड जल्दी समय जाकर दूसरी वीडियो की तैयारी करता हूँ। आप इतने इसमें गेम प्ले कर इन्जॉय कीजिए एंड वीडियो कैसी लगी तो जरूर से, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। बाकी काज चलते हैं, चलिए गाइस मैं चलता हूँ।